हाय गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आज की एपिसोड बी बोल्ड विद गहना में मैं स्वागत करती हूँ पीहू जायसवाल का। हाय पीहू जायसवाल, आपका हमारे एपिसोड में दिल से स्वागत है। थैंक यू। तो पीहू, एक बात बताएं, जितना मैं आपको जानती हूँ, आप शायद आउट ऑफ बॉम्बे से हैं और आप नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से भी हैं जी, तो आपने कैसे अपनी फैमिली को कन्विंस किया कि आप हमेशा से एक हीरोइन बनना चाहती थी, या आपने अपने सपनों को कहाँ तक अभी लेकर आई हैं और आपकी जर्नी कैसी रही, दर्शकों को बताइए। हीरोइन तो नहीं सोचा था पहले, नॉर्मली ही जो मतलब सोचा था कि थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि अगर लक अच्छा रहा तो शायद आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो हम यू टर्न मार लेंगे। ओके, और कितने साल हो गए हैं? 7 साल हो गए। लवली। तो एक बात बताएं, जो 7 साल हैं वो बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, सो कैसी रही अब तक की आपकी जर्नी? जब तक मैं सीरियल वगैरह कर रही थी तो सीरियल में मैंने क्या हाल मिस्टर पंचाल किया है, पृथ्वी वल्लभ किया है और महाराणा रंजीत किया है, क्राइम पेट्रोल भी किया है और जीजी मामे किया है। वाह, काफ़ी सारे शोज कर रखे हैं आपने। पहले किए थे, फिर लॉकडाउन लग गया तो थोड़ा सा बोर भी करना पड़ा, नहीं चाहते हुए भी करना पड़ा। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे आपने कहा बोल्ड करना पड़ा, तो आपने अभी तक कितना बोल्ड किया है? और बोल्ड जब आप सीन करती हैं सो जैसे दर्शकों को दिखता है कि आपने इतना बोल्ड किया है, हकीकत में कितना बोल्ड होता है? और जब बोल्ड सीन शूट किया जाता है तो वहाँ पे आसपास कितने लोग होते हैं? आसपास तो करीब 7-8 लोग भी रहते हैं, कभी 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 4 लोग रहते हैं, कभी कभी 7-8 लोग रहते हैं, मगर जितना दिखता है ना उतना होता नहीं है, सिर्फ चीट होता है, हम करने भी नहीं देंगे क्योंकि जब मैं रियल में वो चीज़ें नहीं कर सकती तो मैं वो इसमें भी कैसे करूँगी। एग्जैक्टली। सो दोस्तों, जो आप देखते हैं हकीकत में वैसा कुछ नहीं होता है, आप लोगों को वो दिखाया जाता है जो आप देखना चाहते हो, और आप देखना चाहते हो तभी दिखाया जाता है, अगर आप ही नहीं देखेंगे तो हमको दिखाने के लिए भी कोई नहीं। एग्जैक्टली। और शूट वो किया जाता है जिसमें आर्टिस्ट कंफर्टेबल है, क्योंकि आर्टिस्ट का कंफर्ट जोन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आर्टिस्ट परफॉर्म ही नहीं कर सकता। सही कहा मैंने जी? अच्छा पीहू, मुझे एक बात बताओ यार, जैसे कई बार होता है ना कि बोल सीन चल रहा है, आप किसी हीरो को स्मूच कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हो कि आप टर्न ऑन हो गई हो या हीरो के लिए आपके अंदर फीलिंग्स आ गई हो, ऐसा कभी हुआ? नहीं, कभी कभी नहीं हुआ। और ऐसा कभी हुआ है कि जैसे किसी एक्टर के साथ सेट पर मिली और आपको ऐसा लगे यार ये एक्टर अच्छा है, ही इज़ हॉट, और या तो ही इज़ सेंसिबल, या उसका ह्यूमर बहुत अच्छा लगा हो, या उसकी पर्सनैलिटी या आईक्यू लेवल, तो सेट पर मिलने के बाद आपने कभी उस एक्टर को डेट किया हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। ओफो, बड़ा अनरोमेंटिक था। हाँ, मेरे को ना क्या, मेरे लिए ना वो जो टाइम रहता है ना सिर्फ काम पे फोकस देने का रहता है जी, और उसमें क्या फीलिंग क्या हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो कितनी जल्दी वो सीट खत्म हो मैं भागू। ओके। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने मेरे साथ भी एक सीरीज की है, सो जैसे मैंने आपको बताया सीन, हमने वैसे ही पिक्चराइज किया, या आपको कभी मेरे को भी कोई प्रॉब्लम हुई हो, या सेट पर आपको कभी ऐसा लगा हो कि मैंने आपको कुछ और बोला और मैं आपसे कुछ और करवा रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसा हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, हम पहले ही, क्योंकि ना मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ ना मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये लड़की को बुला के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये हम लोग फिर से चाहते हैं क्योंकि हमें आगे भी काम करना होता है, तो हम ये चाहते हैं कि पहले क्लियर हो कि भाई मैं इतना करूँगी उससे ज़्यादा नहीं करूँगी। यस yes। और मुझे नहीं लगता कि मैंने आपके दायरे से कुछ आगे ज़्यादा कुछ करवाया होगा। नहीं नहीं, नहीं करा। आप कम्फर्टेबल थी? हाँ। यस yes, तो आप मेरे साथ आगे भी काम करेंगे? जरूर। यस yes। तो मुझे एक और बात बताओ, जैसे हर इंसान की ना कोई डार्क फैंटेसीज होती हैं, हर इंसान की होती है, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, आपकी ऐसी कौन सी फैंटेसी है जो आगे चल के आप चाहते हैं कि पूरी हो, जो ना हुई हो, या कि आपकी सारी फैंटेसीज पूरी हो चुकी है और आपके अंदर कोई फैंटेसी बची ही नहीं है, ऐसा कुछ है? फैंटेसी बस कमाना, खुद का घर लेना, ये मेन मेरा फोकस है। हाँ बस। ओके okay। अच्छा पीहू, मुझे एक और बात बताइए, जैसे आप इंडस्ट्री में 7 सालों से हैं, आपको यहाँ पे हर किस्म के लोग मिलते हैं,
कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो झूठे सपने दिखाते हैं, कुछ लोग मिलते हैं काम के बहाने कास्टिंग काउच की बातें करते हैं, कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो आपका समय बर्बाद करते हैं। तो इन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कौन लोग हैं, ये क्या करना चाहते हैं और क्या ये लाइफ में कभी कुछ कर पाएंगे, और या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ? जज नहीं कर सकते कि वो कुछ कर पाएंगे, मगर हमें क्या करना है, हमें तो पहले अपना देखना है ना सर। दूसरों को देख के हम कहां तक चलेंगे। बस ये है कि भाई टाइम वेस्ट मत करो किसी का। टाइम भी जाता है, मेकअप भी जाता है, है? और इतना हरेसमेंट भी होता है दिमाग से कि इंसान आए और कुछ काम नहीं। और मैंने देखा है ऑडिशन से कभी काम नहीं होता, कहते हैं ऑडिशन दो ऑडिशन दो, ऑडिशन के बिना काम नहीं है। अच्छे लेवल पे अगर आपका प्रोडक्शन है तो हम देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। ये छोटे छोटे लोग हैं ना जो गंदगी फैला रहे, ऑडिशन दो ऑडिशन दो ऑडिशन, घर से भी भेजा है मैंने, कभी भी काम नहीं आया। ओके। और ये कास्टिंग काउच वगैरह का आपका कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ, किसी ने अप्रोच किया या कैसा कुछ हुआ? हाँ बोला है, बोलते तो भाई हर कोई है, चाहते बोलते हैं कि आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंप्रो करती हैं आप, ऐसा डायरेक्ट बोल देते हाँ, हैं लोग। हाँ, हाँ, कंडीशन वर्क, कंडीशन नहीं, लोग का एक शॉर्ट वर्म है कंडीशन वर्क। तो मैंने कहा सॉरी मैं कंडीशन वर्क नहीं करती, कंडीशन करना वर्क करना होगा ना तो फिर धंधे पे नहीं बढ़ जाऊंगी। एग्जैक्टली, आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाना है। मैं अगर मुझे एक्टिंग नहीं आएगी आपके कंप्रो करने से, मेरे को एक्टिंग आ जाएगी क्या? मेरा कहने का मतलब वो है वर्थ से, है ना? अगर आपके पास एक्टिंग नहीं है, आप किसी पे भी आप मुझे डाल सकते हो। मैं इसके लिए इंस्टाग्राम पे बच्चों का भी डालती हूँ, देखा ही होगा आपने। बच्चा हो, बूढ़ा हो, लड़कों का हो, कैसा भी हो, मैं बनाती हूँ। तो मेरे में वो चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ। आप काम वाली का भी दोगे ना तो भी मैं करूंगी, क्योंकि मेरी काम वाली का एक सीरीज आई भी है। ओ वाओ। तो मैंने किया है उतना। तो जब मुझे पता है कि मैं एक्टिंग पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, फालतूगिरी से ज्यादा मैं एक्टिंग पे और अच्छे वर्क करने के लिए सोचती हूँ। इसके लिए फालतूगिरी में नहीं दिखती, ना किसी के बर्थडे में दिखती हूँ, ना किसी को डेट करने पे मिलूंगी, कहीं पे भी नहीं मिलूंगी, ना लाइव आते हुए मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। सिर्फ काम देखो मेरा बस। यस। तो जैसे आपने डेट की बात की, आप सिंगल हैं, आप कमिटेड हैं, क्या स्टेटस है आपका? मैं शादीशुदा हूँ। अरे वाह। मेरी डॉटर है 18 साल की। ओह माय गॉड, 18 साल की डॉटर है आपकी। आप खाती क्या, आपने कैसे अपने आप को इतना फिट कर रखा? जो आप लोग खाते हो हम भी खाते, खाना ही खाते हैं। कमाल के जीन्स हैं आपके, आप बिल्कुल नहीं लगती, बट प्राउड ऑफ यू, आपने आपको इतने अच्छे से फिट रखा। तो आपकी जो डॉटर है वो भी एक्टिंग करती है? नहीं, उसको ये लाइन पे नहीं लाना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आप कहीं और से आई हैं, आप लोकल बॉम्बे की तो है नहीं, सो आपके शहर में आपके फैंस होंगे, आपके कुछ जूनियर्स होंगे या आपके कुछ रिश्तेदार होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या बताना चाहती हैं? उन्हें उनके लिए कोई मैसेज है, अगर वो आना चाहते हैं तो कैसे तैयारी करें, आए या ना आए? ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, दर्शकों को बताएं। ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, आपको दूर से जो दिखता है वो होता नहीं है। हमने पहले छोटी चीज़ों से ही आगे बढ़े, हमने जूनियर भी किया है और रील भी रोल भी किए हैं, मैंने हर चीज़ देखा है। मगर आप लोग जो सोचते हो ना कि हम जाके ये कर सकते, वो लड़के लोग बोलते हैं मुझे हाँ कि मैम, मतलब ऐसा लड़के लोग, जैसे मेरी जो मैंने जॉब की है पहले, मैंने यहाँ पर आके, मैं 99 से आई हूँ यहाँ पर। 99 से? मैं यहाँ 99 से आई हूँ, पहले मैंने जॉब किया है, पहले मुंबई को जाना है कि मुंबई है क्या। पहले अगर आप बात करते थे ना तो लोग बाजार में बेचने के लिए मतलब कहते थे खाली डांस ही तो करना है, तो मैं कहती थी नहीं, जब तक मेरे हाथ पैर हैं, हाँ हाँ, जब तक मेरे हाथ पैर हैं तब तक तो मैं कुछ गंदा नहीं करूँगी। आज मैं ये लाइन में आई हूँ क्योंकि इतने साल से मैंने स्ट्रगल ही किया है, जॉब जॉब जॉब। अब थोड़ा सोचा था कि मैंने कि थोड़ा साइड देखते हैं, अगर शायद लक लग गया तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर यू टर्न मान लेंगे। यू टर्न तो हमारे ऊपर है ना कि हम कब मान लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हमें यही चीज़ आती है। मैंने बहुत से काम किए, होटल खोला था, पराठा बेचा है मैंने सड़क पे खड़े होके, कपड़े कपड़ों का दुकान भी, कपड़े भी बेचे हैं,
तो मुझे काम में कोई शर्म नहीं है इसके लिए। मुझे ज्यादातर जो लोग मेरे पुराने लोग हैं जो कहते ना अरे क्या क्या करेगी, ये सोचते हैं ये क्या क्या करेगी, तो मेरे को जो मिलेगा मैं वो करूँगी, मेरे परिवार पलता है या मैं उनको अच्छे से खुश रख सकती हूँ ना तो मैं वो करूँगी। मैं आज अपने लिए नहीं जीती, अपने लिए तो हम नहीं जीते, वो अपने बच्चों के लिए जीते। करेक्ट करेक्ट, बस जो मेरी जिंदगी है वो उनकी ना हो, इसके लिए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बस कोशिश कर रहे हैं। बच्चे बढ़ जाए तो अच्छी बात है। सही बात है। तो दोस्तों ये थी पीहू जायसवाल 99 से, इनके कुछ एक्सपीरियंस अच्छे थे कुछ बेटर थे, ये इनकी लाइफ थी जिन्होंने 7 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिया। और ये आपको यही कहना चाहती हैं कि अगर आप में दम है और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए फ्लेक्सिबल हैं कि अगर आपको ये ना मिला तो आप यू टर्न ले सकते हैं जीवन में, तो ही आइए। लेकिन अगर आप अपने करियर को लेकर पागल हैं तो पागलपन यहाँ नहीं चलता है। तो इवन आल सजेस्ट कि बिल्कुल मत आइए, क्योंकि सपनों की दुनिया जो दिखती है वो हकीकत में होती नहीं है, और जो होती है वहाँ तक आप देख नहीं पाते, पहुँच ही नहीं पाते। एग्जैक्टली। सो पीहू आप अपने और कुछ किसी दर्शक को कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं, और आप अपना इंस्टा हैंडल बता दीजिए ताकि लोग आपको फॉलो कर सकें और अपना प्यार आपको दे सकें। बस इन्हीं की तो दुआ है, इन्हीं लोग की तो दुआ चाहिए हमें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है pihu.jaiswal10। सो दोस्तों इनकी आईडी है pihu.jaiswal10, इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, अपना प्यार दीजिए, क्योंकि अगर आपका प्यार साथ है तो दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू, थैंक यू पीहू फॉर ज्वाइनिंग अस, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू, थैंक यू।